चल चित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये जो अग्नि भी तुम भर्ती कर रहे हो, ये कोई होमगार्ड की ड्यूटी नहीं है। उस क्षेत्र का नाम मिटा दिया जाए, उस क्षेत्र से कोई नौकरी ना दी जाए, उन लोगों को वंचित रखा जाए जो लोग सड़क पे आए, किसान आंदोलन में आप सड़क पे आए, ये उसका दंड मोदी जी आपको देना चाहते। और पुलिस वालों को भी बता देना चाहता हूँ, योगी जी को बताना चाहता हूँ, हमारे गांव के मालिकों पे मुकदमा मत लिखना, कोई मुकदमा लिखना हो तो मेरे नाम पे लिख देना। राम राम जी। आज बहुत गर्मी है नहीं है? नहीं मुझे होगी, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो मेहनत करते हो, मौसम कैसा ही हो किसान की मेहनत नहीं रुकती। मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे हो। किसान का तो जीवन ही संघर्ष है, और ये बात मन से हो रही थी कि किसान की तो इच्छा होती है अगर दो बच्चे हैं कि एक खेती करेगा और एक नौकरी करेगा। चौधरी चरण सिंह जी भी यही बता गए थे, लेकिन आज अगर आप अपने घर में आप अपने नौजवानों से पूछो या कोई सर्वेक्षण किया जाए गांव में, आपकी जो अगली पीढ़ी है ना, अगर आप उससे पूछोगे कि क्या करना चाहते हैं, 11-12 वर्ष की उम्र में ही उसे पता लग जाता है क्या करना है, और वो दौड़ लगानी शुरू करता है। या तो पढ़ाई पर ध्यान देता है या अपने शारीरिक क्षमताओं के विकास पर ध्यान देता है, और उसी समय से उसके मन में ख्याल होता है कि मैं सेना में जाऊंगा। अगर कोई सर्वेक्षण होगा तो शायद किसान के घरों में आपकी अगली पीढ़ी कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं किसान बनूंगा, कोई नहीं कहने का। जमीन कितनी बच रही है, कितनों में बटेगी, किसके नसीब में आएगी, वो जमीन पे क्या आप उगा लोगे, क्या आपके खर्चे हो जाए पूरे, संभव नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी ने जब उस समय जवाहरलाल नेहरू जी एक प्रस्ताव लाए थे रूस से प्रेरित होकर, कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती, जहां असल में वो सरकारी खेती होती, उसका चौधरी साहब ने विरोध किया। और उन्होंने तर्क रखे थे कि छोटा काश्तकार, जिसे आप छोटा कहते हो, जिसकी जमीन कम है, जितनी मेहनत वो कर लेता है अपनी जमीन को तैयार करने में, पैदावार करने में, उतना और लोग नहीं करते। इसलिए जो विदेशी वेस्टर्न इकोनॉमिक्स का जो मॉडल है कि बड़ी चीज अच्छी होती है, जितने बड़े बड़े चक होंगे तो उस पर जो है तकनीकीकरण हो जाएगा, पूंजी लगाकर निवेश कर अच्छी खेती हो जाएगी, ये जो विचार था उसके बिल्कुल विपरीत चौधरी चरण सिंह जी ने हमारे देश के लिए एक रास्ता तैयार किया। लेकिन उस रास्ते पे हम चले नहीं, उस रास्ते पे देश चला नहीं, और आज के इकोनॉमिक मॉडल और आज की परिस्थितियां अब ये ऐसी हो चुकी है कि खेती बहुत महंगी है और फायदे का सौदा नहीं रहा। पहले कहावत होती थी ना कि रेल की सवारी हो, जिस घर में रेल की सवारी हो, नौकरी हो और मिल पे गन्ना जाता हो, उसे आप संपन्न परिवार मानते। अब मिल में तो गन्ना जा रहा है, लेकिन आएगा कब, हिसाब कब होगा, किसी को नहीं मालूम। अब तो 14 दिन की बात भाजपा वाले भी नहीं बोल रहे। याद करें, इस चुनाव में तो मैंने कोई गौर नहीं किया, इस चुनाव में कहीं एक जगह भी अगर कहे हो कि 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा, उन्होंने तो वादा भी नहीं किया आपके। हाँ, एक बात कही थी अमित शाह जी ने कि पूरे 5 साल किसान को बिजली का बिल नहीं मिलेगा, कही थी कि नहीं कही? और बिल आ रहा है, और मीटर का भी विरोध हो रहा है। पूरे उत्तर भारत में सबसे महंगी बिजली कहीं वसूली जा रही है तो आपसे वसूली जा रही है।
चुनाव जब बनता नहीं है तो एक फुटबॉल की तरह जनता को कहीं और ध्यान भटकाने के लिए कोई नई योजना लेके आते हैं। कहां से लेके आते हैं, ऊपर से लेके आए मुझे नहीं मालूम। कौन इनका एडवाइजर है, कौन इनको सलाह देता है? क्योंकि ये शेर की सवारी है, उनको साबित करना है कि मोदी जी ने ऐसा काम किया जो 70 साल में नहीं है। मुझे तो लगता है 70 साल में अच्छे काम हुए होंगे। जब से आए नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना देश की मिजाज, देश की परंपराओं को बिना समझे आपने आज मैं जम दिया। भाई एक ईमानदारी करी के नाम सही रखा अग्निपथ, वो आग में झोंक रहे हो तुम नौजवानों। बड़े बड़े वरिष्ठ लोग, ज्ञानी लोग, बुद्धिजीवी आर्मी में बड़े पदों पे विराजमान रह चुके, सेना में कीर्तिमान बनाने वाले, गौरव कमाने वाले, देश की रक्षा करने वाले बड़े बड़े अफसर रह चुके, परमवीर चक्र विजेता, दो परमवीर चक्र विजेता का मैंने बयान देखा है और वे खुल के विरोध कर रहे हैं, और एक योगेंद्र यादव जी परमवीर चक्र विजेता, उन्होंने ये कहा कि आर्मी सेना मरने के लिए नहीं बनाई जाती, मारने के लिए बनाई जाती। ये जो अग्निवीर तुम भर्ती कर रहे हो ये कोई होमगार्ड की ड्यूटी नहीं है, बुरा मत मानना भाइयों, आपकी भी सेवा बहुत अच्छी महत्वपूर्ण है। काम जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सम्मान उस सबका है, श्रम का सम्मान समाज जो करता है वह समाज तरक्की करता है। लेकिन ये आप ही जानते हो, वायु सेना है, कई सेना आपकी थल सेना है, कई तकनीकी पहलू होते हैं जो महज 6 महीने की ट्रेनिंग में आप बच्चों को सिखाई नहीं सकते। ये मुझे आर्मी के बड़े सीनियर और वरिष्ठ अधिकारी रह चुके, मैंने उनको घर पे बुलाया था, बैठक ली, उनसे समझना मैं चाहता था कि उनकी क्या राय है। उन्होंने एक मुस्त होकर सबने कहा कि ये गलत योजना है, ये आर्मी के रेजिमेंटल सिस्टम को तबाह करने की योजना है, कुछ ना कुछ इसके पीछे षड्यंत्र है कि जिस क्षेत्र में हर गांव में हर घर की तस्वीर है कि आपके चाचा हो, आपके पिता हो, आपके पूर्वजों ने सेना में गए हैं, शहीद भी हुए हैं, कुर्बानियां दी हैं, सेवा करी है, ये उस परंपरा को ध्वस्त करना चाहते हैं। इनकी मंशा है कि जिस क्षेत्र से आज जिस क्षेत्र का बोलबाला है उस क्षेत्र का नाम मिटा दिया जाए, उस क्षेत्र से कोई नौकरी न दी जाए, उन लोगों को वंचित रखा जाए। जो लोग सड़क पे आए, किसान आंदोलन में आप सड़क पे आए, ये उसका दंड मोदी जी आपको देना चाहते, ये उसकी सजा देना चाहते। मैं जानता हूं जब हमने युवा पंचायत की है, शायद देश में पहला राजनीतिक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, वरना नौजवानों को कोई पूछ नहीं रहा था, वे खुद जा रहे थे, विरोध कर रहे थे अपने तरीके अपनाकर। हम उसमें गलतियां नहीं ढूंढ सकते, उनकी भावना थी, गलतियां हो गई होंगी उनसे, लेकिन पहला राजनीतिक कार्यक्रम हमने कहा कि हम देंगे मंच नौजवानों को, मिलना चाहिए नौजवानों को मंच। मैं एक बात जानता हूं, शामली का क्षेत्र प्रगतिशील क्षेत्र है, एक ही जिला होता था मुजफ्फरनगर जिला, यहाँ आपकी खेती भी अच्छी है, गुड़ घी शक्कर सब बढ़िया है, आदमी भी अच्छे हैं, महिलाएं भी अच्छी हैं, सब अच्छे हैं, गुणवान समाज है, और जो भी शुरुआत होती है अच्छी जगह से होनी चाहिए। भैंसवाल की ऐतिहासिक आपने किसान पंचायत करी थी, बहुत लोगों की आंखें खुली, शायद इस क्षेत्र ने और आपने जो उस समय उस मंच पे आशीर्वाद दिया, अगर वो भैंसवाल की पंचायत में आप नहीं आते, अपनी ताकत नहीं दिखाते, तो किसान कानून आज कानून होते, सरकार पीछे नहीं हटती। मैं जानता हूं कि हमने युवा पंचायत देखी है तो पुलिस वालों को गांव गांव भेजा जा रहा, गए हैं गांव गांव,
मैं समझ सकता हूँ नौजवान जो नौकरी की फिराक में है, जो प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, वो भयभीत होगा, उसे लगता होगा कि मेरी तस्वीर लग जाएगी, कहीं मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो कभी नौकरी नहीं मिल पाएगी। लेकिन आपके घर परिवार के ये जो लोग बैठे हैं, अब घर परिवार को तो हम लोग समझ सकते हैं, और जिसके ना आगे ना पीछे वो क्या जानेंगे, जिसका ना आगे ना पीछे कोई फिक्र नहीं, जैसे खेत में घूमते हैं ना बिजार, नो टेंशन। हम और आप तो टेंशन वाले हैं, हमें टेंशन मिलती है, हमें सताती है, आगे की चिंता हमें करनी है, और इनका बस चलेगा तो कुंवारे रह जाओगे नौजवानों। अब रिश्ता देखने जाओ तो क्या बताओगे, पेंशन मिल रही है, रिटायर हो गए 4 साल में, क्या बताओगे, बताओगे सेना में क्या पक्की वाली है, पुरानी वाली है, नहीं बनती है, 4 साल बाद आना फिर, तब रिश्ता पक्का होगा, अभी नहीं कहेंगे। इन्होंने ऐसा हिसाब बना दिया, खुद तो करी नहीं या खुद संभाली नहीं गई शादी, तो तुम्हारी होने नहीं देंगे। मैं पुलिस वालों को भी कहना चाहता हूँ, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, आपको बताया जाता है, आप कर रहे हो, लेकिन होशियार हो जाओ, सतर्क हो जाओ। अभी जो आर्मी के साथ कर रहे हैं, कल पुलिस विभाग के साथ भी ये करेंगे। योगी जी भी कह सकते हैं कि मुझे पेंशन नहीं देनी, 4 साल 5 साल 6 साल की नौकरी ले लो ठेके पे, वर्दी पहन लो 5 साल उतार के, यही जो है अगले को पढ़ाएंगे, ऐसी योजना बना रहे हैं। पैसे की बचत करनी है इनको, आर्मी में पैसे की बचत दिख रही है। आप कोई हिसाब लगा के आर्मी में जाते हो बच्चों, ये देख के जाते हो कि हमें तनख्वाह मिलेगी, नहीं, ये जज्बा है, भावना है, और सरकार हिसाब लगा रही है, तोल रही है आपको, और जब आप जाओगे 4 साल के बाद लौटोगे, आप ये भी नहीं कह पाओगे हम सेना में थे, कोई दर्जा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। दिल्ली में आपने देखा होगा सेना का इतना बड़ी अस्पताल है, आरआर हॉस्पिटल, और सेना में जो कार्यरत रहे हैं जीवन भर, उनको कहीं भी कुछ दिक्कत हो जाती, एम्स में जगह नहीं मिलती, सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं मिलती, लेकिन उत्तम स्वास्थ्य की चिकित्सा की जो सुविधा है वो आरआर हॉस्पिटल में मिल जाए। लेकिन ये जो 4 साल के अग्निवीर बनेंगे, इन्हें नहीं मिलने वाली, और इसलिए है धीमे 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 करके जैसे जैसे रिटायर होते जाएंगे और सिर्फ अग्निवीर बचेंगे, ये सारे अस्पतालों को इकट्ठा करके बेचना चाहेंगे। और क्यों लाए ऐसी योजना, इसलिए लाए, 3 साल से भर्ती क्यों नहीं करी, क्यों नहीं करी भर्ती, ये जानते थे कि जब रुक के भर्ती खुलेगी तो लोग टूट पड़ेंगे, नौकरी मिल नहीं रही, कोई चारा दिख नहीं रहा, भविष्य अंधकार में है, बच्चे आ जाएंगे, तब उन्हें ना पेंशन देनी ना पक्की नौकरी देनी, मजदूरी कराओ, ये इनकी विचारधारा। मैं तो दावा करता हूं, हिमांशु जी, मेजर हिमांशु जी कह रहे थे कि सेना के जो भी रिटायर हुए अधिकारी वो कह रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, मैं दावा करता हूं ये योजना एक रात एक दिन में बनी नहीं है, 3 साल पहले ही मोदी जी तय कर चुके थे कि भर्ती खोलेंगे नहीं, और जब भर्ती खोलेंगे तो ऐसी भर्ती खोलेंगे जिसमें नौकरी ना देना पड़े, पेंशन ना देनी पड़े, 3 साल पहले इन्होंने इरादा बना लिया, और जब किसान आंदोलन हो गया तो उनको सजा देनी थी, पंजाब को, हरियाणा को, यूपी को, राजस्थान को, ये सजा दी है, कोई बस बात को नहीं कहेगा खुल के, मैं कह रहा हूं। और पुलिस वालों को भी बता देना चाहता हूँ, योगी जी को बताना चाहता हूँ, हमारे गांव के मालिकों पे मुकदमा मत लिखना, कोई मुकदमा लिखना हो तो मेरे नाम पे लिख देना, क्योंकि अभी पर्चा भरा, अभी जब मैंने पर्चा भरा एमपी का तो वो खाना बिल्कुल खाली था, एक आध मुकदमा तो लिखना चाहिए ना, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, लोग कहेंगे ये राजनीति लायक नहीं है, इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, देश के कहीं थाने में कोई मामला दर्ज नहीं है, तो अगर शुरुआत कहीं हो तो ऐसी हो, ये नौजवानों के खाते। और आज मैं घोषणा करना चाहता हूं, क्योंकि पंचायत है, पंचायत के फैसले तो लेनी चाहिए, हमने पंचायतों का सिलसिला शुरू कर दिया और हमारी मंशा
खुला मंच होगा, कोई छात्र नेता हो, कोई हमारे गठबंधन के साथी जो हमारी पार्टियां हैं उनके नेता, आज मैं धन्यवाद करता हूं, संजय जी आए, इकरा जी आइए, समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्थन मिला, युवा हल्ला बोल जो राष्ट्रीय संगठन है नौजवानों के बीच बहुत बेहतर काम करता है, और जिसके अनुपम यादव जी को दिल्ली में तिहार में बिना किसी ठोस उसके बिना किसी मुकदमे के बंद करके रख दिया था जब वो अग्निपथ के विरोध में आए थे सड़क से, उनके प्रतिनिधि भी आए रजत यादव, उन्होंने अपनी बात रखी। तो हमारी ये सोच है कि एक तो इस पंचायतों का दौर जारी रहेगा, अगर आपका आशीर्वाद हो जो भी भाई सक्षम हो जहां भी पंचायत हो रही हो जरूर पहुंचे। मैं ये कहना चाहूंगा और डर भी निकल जाएगा, भाइयों को जाके बता देना कोई मुकदमा नहीं होने वाला, तो मेरे खिलाफ लिखेंगे नहीं। दूसरी मैं घोषणा करना चाहता हूं, दिल्ली का भी करेंगे पहले अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच, क्योंकि यहीं से ताकत मिलेगी। प्रसन्न ने तो कहा कि मैं 5 साल बाद पेंशन ले लूंगा, पहले तय तो हो जान दू, 5 साल बाद पता फिर तनख्वाह मिल जाए, तनख्वाह नहीं चाहिए, पेंशन की बात क्यों करो। लोकसभा की बहुत कम समय पे 5 साल मैंने एक पूरा टर्म पूरा किया, लोकसभा की पेंशन मुझे मिलती है, मुझे नहीं चाहती, इसलिए ये पहल मैं ले सकता हूं। अगर 4 साल के अग्निवीर को पेंशन सरकार नहीं देना चाह रही तो 5 साल के सांसद को भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। आपके आशीर्वाद से अब मैं राज्यसभा में अपनी जल्द शपथ लूंगा जब निमंत्रण मिलेगा विधिवत, और एक उस संबंध में घोषणा मैं करना चाहता हूं कि मैंने ये विचार किया कि जो एमपी की निधि होती है, क्योंकि जब आप लोकसभा के सदस्य होते हो तो आप एक अपने क्षेत्र में ही लगा सकते हो और राज्यसभा के सदस्य अपने पूरे राज्य में लगा सकते हैं, मैंने ये तय किया है कि 100% अपनी निधि का प्रयोग मैं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए खेल की सुविधा में, स्टेडियम बनाने में, रनिंग ट्रैक देने में, क्योंकि पश्चिमी यूपी का मिजाज, यहाँ बहुत टैलेंट है, खिलाड़ी अच्छे अच्छे हैं, यहाँ नौकरी मिलती नहीं, कोई व्यवहारिक खेल नीति अच्छी प्रभावशाली सरकार ने नहीं बनाई, और इसलिए हमारे बच्चे हरियाणा की टीम से जाके खेलते हैं या दिल्ली की टीम से जाके खेलते हैं, यहाँ हम ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहे। तो इसलिए अगर आप सहमत हो, आप सहमत तो उस बात से 100% निधि मैं खेल की सुविधा अपने नौजवानों को देना चाहता हूँ, और अगर इस क्षेत्र में आपका कोई भी ऐसा कोई आवेदन हो तो जरूर हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष तक वो बात पहुंचाइएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि वो निधि का प्रयोग सदुपयोग हो जाए और इस क्षेत्र में विकास। मैं आपके बीच कुछ आंकड़े भी रखना चाहता हूं, क्योंकि अग्निपथ तो आप समझ गए, लेकिन अग्निपथ तो एक बात है, अच्छा आप तो आए हो, आप कहां रुके, आप तो रुके नहीं है, तो क्यों डर की बात करो, क्यों भय की बात करो, आप तो आए गए, कोई भय नहीं है, बुलडोजर की चाबी छीन लेंगे। वैसे ये ट्रेंड भी एलएम वालों ने शुरू किया था, चुनाव में आया पहली बार मैंने देखा, वो जो है जेसीबी पे आप लोग खड़े होकर स्वागत करते हैं, मुझे लगता है योगी जी ने भी वो तस्वीर देख के वहीं से आइडिया लिया उन्होंने, कुछ काम अच्छे के लिए होते हैं कुछ बुरे के लिए हो जाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ अग्निपथ योजना तो एक चीज है, अब सरकार ये कह रही है वापस मिलेंगे, लेकिन 13 महीने आप लोग सड़क पर डटे रहे,
सरकार ने वापस लिया नहीं लिया। उससे पहले मोदी जी भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने जा रहे थे, कई बार संसद सत्र नहीं चल रहा था, उन्होंने राष्ट्रपति से साइन करवा के बनवाया होगा, और कई बार पीछे हटे। तो ये सब दिखावा है, ये दिखावा है, ढेर हो जाएंगे, ये बनावटी शेर हैं, कागजी शेर हैं। जब शामली का शेर खड़ा हो जाएगा उसके आगे टिकने वाले नहीं। बात बेरोजगारी की है और वो बहुत बड़ी समस्या है। आज विश्व भर में जो ट्रेंड चल रहा है, निवेश भी हो रहा है, फैक्ट्री भी लग रही है, लेकिन उसमें फैक्ट्री में जितनी नौकरी पहले मिलती थी अब नहीं मिलती। हमारे देश में भी ट्रेंड चल गया, लोग कई सरकारें इस तरह के कानून ला रही है कि हम क्षेत्रीयता को बढ़ावा देंगे, यानी अगर हमारे क्षेत्र में कोई उद्योग लगेगा, फैक्ट्री लगेगी, तो क्षेत्र हमारे राज्य के लोग नौकरी पे लखे जाने चाहिए। हम कोटा और लोकल हरियाणा ने कर दिया, कई राज्यों ने किया। मैं ऐसी योजना से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि हमारे यूपी के भाई दूर दूर तक काम के लिए जाते हैं। मुंबई जाओगे वहां मिल जाएंगे पूर्वांचल के कितने लोग, और शामली का आदमी तो दुनिया में मिल जाएगा काम कर रहा है। और ये पाबंदी लगा दोगे बाहर का आदमी, नहीं बाहर का कहाँ है, हम तो भारत के हैं, हमारा हक बनता है, मौलिक अधिकार है, जो इकरा जी कह रही थी, काम करने का, इज्जत से जिंदगी अपनी जीने का, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसलिए वो तो गैर संवैधानिक है, लेकिन ये बातें क्यों उठ रही है, इसलिए उठ रही है कि बेरोजगारी व्याप्त है और सरकार को समझ नहीं आ रहा। सरकार ये दिखावा कर रही है कि हम देखो काम कर रहे हैं आपके लिए, नौकरी मिल जाएगी, ऐसे तो नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी एक मांग है, 29 तारीख को दिल्ली में कुछ हमारे साथी आए होंगे, विज्ञान भवन में हमने कार्यक्रम किया, और मेरी कोशिश रहेगी जैसे मैं राज्यसभा में शपथ लूंगा, मेरा पहला काम यही होगा कि एक प्राइवेट मेंबर बिल में तैयार कर रहा हूं, एक निजी सांसद के रूप में जो एक विधेयक आप तैयार कर सकते हो, मैं उस मसौदे को तैयार कर रहा हूं। और हमारी मांग है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, बराबरी आयोग या सामाजिक न्याय आयोग का गठन सरकार करे, ये मेरा प्रस्ताव होगा। और मैं बताता हूं उसके पीछे सोच क्या है, सरकारी नौकरी तो बहुत कम रह गई, अब पुलिस की भर्ती खोली है इन्होंने, अब कह दिया कि दिसंबर तक होगी, कब तक होगी पता नहीं, होगी भी नहीं होगी, फिर अटक जाएगा मामला, अटक जाएगा, कोई कोर्ट चला जाएगा, स्टे हो जाएगी, बस सरकारी भर्ती करनी रही, सरकारी उपक्रम को बेच रहे हैं, बेचने में माहिर है, गंजे को तो कंघा बेच दे और मुर्दे को लाइफ इंश्योरेंस, जिसको कोई जरूरत नहीं वो चीज बेच रहे हैं, थोप रहे हैं आपके ऊपर, बेचने में माहिर है, सरकारी कंपनी को छोड़ेंगे नहीं, सब बेचेंगे। तो फिर चाहे आरक्षण हो या नौकरी हो, कहां से मिल जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर में एक दिक्कत होती है, हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन फिर अंग्रेजी में मात खा जाते हैं, फिर इंग्लिश में दिक्कत आ जाती है बच्चों। और मैं दावा करता हूं अगर सर्वेक्षण हो गया, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर ये जांच पड़ताल हो गई, जिसका जो आयोग मैं बनाना चाह रहा हूं उसकी जिम्मेदारी होगी जांच पड़ताल, अगर ये जांच हो गई तो खुलासा हो जाएगा, गांव के बच्चों को इन बड़ी कंपनियों में नौकरी नहीं मिल रही, महिलाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, गांव के बच्चों को नौकरी मिलती है तो गार्ड की मिल जाएगी, छोटी नौकरी मिल जाएगी, सेक्रेटरी लेवल बन जाएगा, मैनेजमेंट तक पहुंचने वाला बहुत नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलता है, पिछड़े जाति के लोग आरक्षण मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में उनकी गिनती निम्न स्तर पे है। और ये जानकारी पुख्ता करने के लिए सर्वेक्षण हो, जांच हो, अध्ययन विचार हो, फिर सोच समझ के कोई नीतियां बनाई जाए देश में, उसके लिए हम ये आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। तो ये मेरी एक और बात आपके बीच में रख रहा हूं, मेरा प्रस्ताव है, अगर आप सहमत हो तो मैं इस प्रस्ताव को संसद में रखूंगा। और बाकी अब अगली पंचायत हमारी 3 तारीख को आपका पुराना जिला है शाहपुर, पहुंचोगे, शाहपुर पहुंचोगे,
प्रेरित करो, वहां ज्यादा संख्या में पहुंचो और नौजवानों को ज्यादा संख्या में लाओ, महिलाओं को भी लाओ। धन्यवाद। जय जय भारत।